दोस्तों आज रीजनिंग के टॉप 500 क्वेश्चन सीरीज का एक और नया पार्ट हम देखेंगे, जिसमें हम रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा ताकि दूसरे स्टूडेंट की भी हेल्प होती रहे। लाइक करिएगा जरूर ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलते रहे आपके लिए लगातार वीडियोज बनाने के लिए। अगर आप चाहते हैं इसी तरीके से आपको डेली रीजनिंग की वीडियो मिलती रहे, साथ ही साथ मैथ और ऑनलाइन टेस्ट की भी वीडियो मिलती रहे, तो नीचे रेड कलर के बटन को दबा करके बेल आइकन को ऑन कर लेना होगा, आपके पास डेली नोटिफिकेशन पहुँचना स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों इससे पहले जितने भी रीजनिंग की वीडियो अपलोड हो चुकी हैं उनका मैंने प्लेलिस्ट बना के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, वहाँ से जाकर आप वो सारी वीडियोस देख सकते हैं। इसी तरीके से मैंने मैथ और ऑनलाइन टेस्ट की भी प्लेलिस्ट बना रखी है, उनके भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आज हम देखेंगे इसमें अल्फाबेटिकल सीरीज के क्वेश्चन, ठीक है, और उनकी शॉर्ट ट्रिक। और इससे पहले मैंने नंबर सीरीज की जो आपको वीडियो प्रोवाइड कराई थी, अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप देख लेना। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं, पूछा है यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है, तो एक बार ट्राई करके देखिए। तो देखिए इसमें बहुत ही सिंपल सी एक सीरीज चल रही है, ठीक है, इन दोनों के बीच में आप डिफरेंस चेक करिए, इन दोनों के बीच में डिफरेंस आपका 2 का है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस आपका 3 का है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस आपका 4 का है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का आना चाहिए, 5 का। तो अगर यहाँ पर मैं देखूँ प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 करूँगा तो जे में कितना आ जाएगा वो, तो यहाँ पर आपका ओ आ जाएगा, ठीक है, प्लस 6 करेंगे तो आपका ये हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा ओ, यानी कि ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर। तो ये तो बहुत सिंपल सी सीरीज हो गई, बहुत ही रेयर केस होता है कि एग्जाम में ऐसी सीरीज पूछी जाती है, ठीक है, तो ये एक स्टार्टिंग है, अभी बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन हैं तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए ये वाली जो सीरीज होती है इसमें आपको दिख रहा होगा ए तो फिक्स हो रखा है, तो ए तो बिल्कुल आपका फिक्स ही रहेगा, तो इसको तो आपको चेंज ही नहीं करना है। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ ए सी और ई के बीच में कितने का डिफरेंस है, प्लस 2 का मेरे को आ रहा है, फिर ई और जी के बीच में भी प्लस 2 का डिफरेंस नज़र आ रहा है, जी से आई के बीच में भी प्लस 2 का डिफरेंस आ रहा है, आई और नेक्स्ट आपका प्लस 2 करेंगे तो आई में तो आपका क्या हो जाएगा के, यानी कि यहाँ पे के आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये इस तरीके से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं जिसमें प्लस या माइनस सीरीज चलती है, ठीक है, ये क्वेश्चंस एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है डायरेक्ट सीरीज नहीं होती, डायरेक्ट को ज़्यादातर बच्चे कैच कर लेते हैं कि हाँ ये डायरेक्ट क्या चल रहा है, प्लस 2 प्लस 3 या माइनस 2 माइनस 3 या डिवाइड या मल्टीप्लाई जो भी, बट जब एक एक को छोड़ के सीरीज को चलाते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चंस थोड़े अच्छे लेवल के बन जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, अभी चल के क्वेश्चन नंबर 3 को आप खुद ट्राई करके देखिएगा और आप इसका राइट आंसर कितने स्टूडेंट कर पाते हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में अपने नाम सहित लिख के बताइएगा, ठीक है। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ तो इसमें भी एक एक नंबर छोड़ के चल रहे हैं, देखिए जैसे ए आपका पहले नंबर पर आता है, ई आपका पाँचवें नंबर पर आता है, तो डिफरेंस कितना है इनका, प्लस 4 का, वैसे ही प्लस 4 आपका नेक्स्ट चलेगा, वैसे ही प्लस 4 आपका नेक्स्ट चलेगा, वैसे ही प्लस 4 प्लस 4 और नेक्स्ट आप प्लस 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, वाई आपका आ जाएगा, आप यू में प्लस 4 करेंगे तो वाई आ जाएगा। वैसे ही आपको चलना है यहाँ पे डी से एच में, देखिए कितना डिफरेंस है प्लस 4 का, यानी कि प्लस 4 यहाँ पे चल रहा है, प्लस 4 यहाँ पे चल रहा है, प्लस 4 यहाँ पे चल रहा है और प्लस 4 यहाँ पे चलेगा, और प्लस 4 यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे एक्स आ जाएगा, टी में आपने प्लस 4 किया तो एक्स आ गया, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, एक्स वाई, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो आपने इस सीरीज में देख लिया होगा कि किस तरीके से ये सीरीज चलती है, जब आप डायरेक्ट सीरीज करते हैं यानी कि ए में आपने कुछ प्लस कर दिया फिर डायरेक्ट, मतलब उसके बीच में कोई भी अल्फाबेट नहीं छोड़ा जाता है, बट जब बीच बीच में छोड़ के चलते हैं जैसे ये वाला छोड़ के चल रहा है एक एक, तो ये सीरीज थोड़े अच्छे लेवल की होती है। और इसमें क्या होता है बच्चे को अगर नहीं पता है कि छोड़ के ऐसे सीरीज में प्लस 2 प्लस 4 प्लस 5 चल जाता है तो वो बहुत देर तक मतलब कन्फ्यूज रहेगा, ऐसे एग्जामिनर क्वेश्चन एग्जाम में देता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब इस क्वेश्चन को देखिए आप 4 को और ट्राई करके देखिए, अब इसमें भी एक अल्फाबेट बीच में छोड़ के चल रहा है, अगर ए और बी की मैं बात करूँ तो प्लस 1 चल रहा है, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ, एफ से जी, ठीक है, तो एफ से जी तक आप पहुँच गए। अब उसके बाद अब ये तो आपका सीधी हो गई, ठीक है, एक एक छोड़ के। अब इसमें अगर मैं ऊपर की बात करूँ तो इसमें माइनस चल रहा है, माइनस क्या चल रहा है, जेड से वाई में आपने एक माइनस किया तो एक पीछे आ गया, फिर एक पीछे आ जाएगा, फिर एक पीछे आ जाएगा, एक पीछे आ जाएगा, एक पीछे आ जाएगा, यानी कि सभी में माइनस माइनस आपका चल रहा है। यू से आप माइनस 1 करेंगे तो आपका आई आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे आपका आई आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन, सॉरी ये आपके टी आ जाएगा, यू से पहले तो टी आएगा ना, तो टी आपका हो जाएगा, ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, ठीक है, नीचे प्लस 1 चल रहा था इसमें और इसमें ऊपर माइनस आपका 1 चल रहा है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5। देखिए अगर क्वेश्चन नंबर 5 की मैं बात करूं
तो इसमें आपकी क्या सीरीज चल रही है, आप खुद ट्राई करके देखिए। ई से आई पे अगर हम जाएंगे तो कितना जाएंगे, +4 करेंगे, +4 इसमें चल रहा है। आई से एम में जाएंगे, यानी कि पहला अल्फाबेट से ही रिलेट करता है, जो ये पेयर दो दो लिखे हैं, तो इसमें आपका +4 करेंगे, एम आ जाएगा। अब एम में आपने +4 किया तो आपका एक क्यू बन जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्यू आ गया। फिर नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ एन और आर की, तो इसमें भी आपका +4 चल रहा है, तो एन से आर में गए, हम +4 कर लिया। आर से वी में गए, उसमें भी +4 कर लिया, और वी में से में हमने +4 किया तो आपका क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। तो क्यू और जेड आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्यू जेड, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो अब आपको ये सीरीज समझ में आ रही होगी। अब आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ, अगर आपको अल्फ़ाबेट के नंबर्स नहीं पता है, उनके अपोजिट वर्ड्स नहीं पता है और डिफरेंस नहीं पता है, तो आपको ये सबसे पहले याद करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना आप इन क्वेश्चंस को सोल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये चीज़ें याद हैं तो ये क्वेश्चंस बहुत सिंपल है, बिल्कुल भी नंबर सीरीज हो चाहे आपका ये अल्फ़ाबेट सीरीज हो, दोनों ही ईजी होते हैं। बट रोल पूरा वही है कि अगर आपको अल्फ़ाबेट नंबर्स याद हैं कि ए पहले नंबर पे आता है, बी दूसरे नंबर पे आता है, सी तीसरे नंबर पे आता है, अगर ये याद नहीं है तो ये याद कर लीजिए। इसकी मैं एक ट्रिक आपको बता देता हूँ, अगर आप इस तरीके से 10 से 15 बार लिखते हैं तो याद भी हो जाएगा और एक प्रैक्टिस बन जाएगी। अगर आप एग्जाम में जाके उसको वैसे लिखते हैं तो एक मतलब जल्दी से जल्दी क्वेश्चन होने के चांसेस आपके बन जाते हैं। आपको क्या करना है, ए से एम तक और एम के नीचे एन लिखना है और एन से जेड तक, इस तरीके से पूरी ABCD लिखनी है, उनके ऊपर 1 2 3 डाल लेना है, 1 2 3 इस तरीके से। तो इससे क्या होगा, अगर आप 10 से 15 बार इसको लिखते हैं तो याद होने के चांसेस भी हैं। अगर याद भी नहीं होते तो इससे क्या होगा, आपको अपोजिट वर्ड, ए का अपोजिट जेड होता है, एम का अपोजिट एन होता है, अपोजिट वर्ड साथ ही साथ इनके अल्फाबेट्स आपको मिल जाते हैं, ठीक है, यानी कि इनके नंबर्स आपको मिल जाते हैं। तो इस कंडीशन में जब एग्जाम में आप बैठ के क्वेश्चन सोल्व कर रहे होते हैं तो इससे बहुत हेल्प मिलेगी, अगर आप ये आपके पास एक पेपर पर लिखा होगा, ठीक है, तो आप इसको ऐसे ट्राई करके देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखिए आप एक इस क्वेश्चन को ट्राई करके एक बार, और इसका राइट आंसर क्या बनेगा, DFGHKMNQRT और नेक्स्ट आपको बताना है क्या आएगा। तो डी और जी के बीच में अगर मैं देखूँ यहाँ पे पहले से पहले अल्फाबेट के मेरे बीच इसमें दिख रहा है मुझे +3 का डिफरेंस, ठीक है, +3 इसमें चल रहा है। जी से के में अगर मैं देखूँ तो इसमें +4 का मेरे को डिफरेंस नज़र आ रहा है, फिर मुझे 3 का डिफरेंस नज़र आ रहा है, फिर मेरे को +4 का डिफरेंस आ रहा है, फिर मेरे को +3 का डिफरेंस मिलना चाहिए। तो यहाँ पे +3 +4 +3 +4 +3 करेंगे, आर में आप +3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, आपका यू बन जाएगा, तो यहाँ पे तो आपका पहला यू मिल जाएगा। अब आप ये भी देख सकते हैं कि यू कितने में है, तो यहाँ पे यू इसमें भी है, इसमें भी है, तो आप यहाँ से तो डिसाइड नहीं कर सकते कि ऑप्शन ए दूसरा होगा या तीसरा होगा। फिर आप नेक्स्ट को भी चेक करेंगे, नेक्स्ट में आपने देखा एफ से जे में गए तो डिफरेंस कितने का है, 4 का है, तो +4 इसमें चल रहा है। फिर जे से एम में गए तो +3 का डिफरेंस, तो +4 +3 +4 आप करेंगे तो क्यू आ जाएगा, +3 करेंगे तो टी आ जाएगा, फिर आप +4 करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, +3 आपने किया, +4 आपने कर दिया, उसके बाद आपका एक्स आ जाएगा, टी में आपने +4 किया तो एक्स आ जाएगा, तो एक्स और यू आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग +3 से थी, यहाँ पे स्टार्टिंग +4 से होगी, +3 +4 +3 +4 +3, फिर यहाँ पे चल रहा है आपका +4 +3 +4 +3 +4, तो आपका यहाँ पे एक्स आ जाएगा, तो यू एक्स इज़ द राइट आंसर, तो यानी कि ऑप्शन 2 इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को हम देखते हैं, इसमें आपको आपसे सबसे पहला ही पेयर पूछ लिया गया है, तो सबसे पहले पेयर पूछने के लिए सबसे पहले आगे के सारे रिलेशन आपको पता होने चाहिए। देखिए आगे के रिलेशन को पता करने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन पे मैं यहाँ पे सोल्व करके लेके आया हूँ पहले से ही, ताकि आपको अच्छे से समझा सकूँ। आपको यहाँ पे अल्फाबेट के नंबर्स पता होने चाहिए, आई ये पहला लास्ट वाला पेयर, ये उससे पहला पेयर, ये आपको बताना है, ये सारे पेयर तो क्वेश्चन में ही दिए गए हैं। तो यहाँ पे आई को देखा जाए तो 9वें नंबर पे है, टी आपका 20वें नंबर पे है, ई आपका 5वें नंबर पे है, पी आपका 16वें नंबर पे, मतलब 16 नंबर पे आता है। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं 9 में प्लस करूँगा 11 तो 20 आ गया। मैं पीछे से सोल्व करते हुए लेके आ रहा हूँ इस सीरीज को, मैं पीछे से सोल्व कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पहले वाला पूरा एक पेयर निकालना है। -15 करूँगा, फिर +11 करूँगा, फिर आप लास्ट में -15 करेंगे तो ए आपका आ जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से आपको 12 में करना है, 12 में आपने +11 किया तो 23 हो गया, 23 में से आपने -15 किया तो 11 हो गया, 11 में प्लस 8 में आपने +11 किया तो आपका 19 हो गया, 19 में से आपने 15 माइनस किया तो डी आ गया। इसी तरीके से आपको यहाँ पे ये सीरीज बहुत अच्छी है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ पे 15 में 11 प्लस किया तो 26, 26 में से -15 किया तो 11, 11 में +11 किया तो आपका 22, और 22 में से -15 किया तो आपका जी आ गया। तो इस तरीके से आपको ये सीरीज बनती है। तो राइट आंसर क्या बन गया आपका,
ADG, ADG इज द राइट आंसर। तो आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आएगा, ऑप्शन थ्री इज द राइट आंसर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखें तो इसमें भी एक सीरीज चल रही है। अगर आप इसको देखें, एस से क्यू पे जाएंगे, एस से क्यू के बीच में क्या डिफरेंस है, माइनस टू का। क्यू से एन के बीच में भी आपका माइनस थ्री का डिफरेंस है, और एन से जे में आपका माइनस फोर का, यानी कि माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर। नेक्स्ट आपका कौन सा आना चाहिए, माइनस फाइव। अगर आप जे में से माइनस फाइव करते हैं तो क्या आ जाएगा, आपका ई आ जाएगा। तो यहाँ पे आप ई लिख देंगे। ऐसे ही आपको यहाँ पे चल रहा होगा प्लस टू, अब ऊपर की साइड चल रहा है, यानी कि नेक्स्ट वालों में प्लस टू। जे से प्लस टू करेंगे एम, एम से प्लस टू करेंगे तो क्यू, क्यू में प्लस टू करेंगे तो वी। तो यहाँ पे ई और वी आपका राइट आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आई होप कि सॉरी, ई और वी, यानी कि ऑप्शन टू होगा, ये नहीं होगा, ई और वी आएगा, तो ऑप्शन टू इज़ द राइट आंसर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका देखिए, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर जो 9 है, इसमें आपको ये लगाना है, रक्षा करना, दबाव, राहत, वर्षा और बाढ़, ये एक सीरीज में आपको लगाना है। अब ये क्वेश्चन भी आपने देखे होंगे, कई बार एग्जाम में आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो दूसरा, यानी कि दबाव बनेगा, दबाव बनने के बाद में आपका वर्षा होगी, ठीक है। वर्षा होने के बाद आपका बाढ़ आएगी, बाढ़ होने के बाद में आपका रक्षा करना होगा, और उसके बाद राहत होगी। तो ये कुछ इस तरीके से सीक्वेंस में होगा। सबसे पहले क्या हुआ, दाब, यानी कि टू पहले आ गया, उसके बाद आपका क्या हुआ, दबाव के बाद आपका वर्षा होगी, दबाव बनती है उसके बाद वर्षा होती है, यानी कि फोर आ गया। उसके बाद रक्षा के बाद क्या होगा, आपका बाढ़ आ जाएगी, अगर जब वर्षा होगी तो बाढ़ आ जाएगी, तो आपका तीसरा हो जाएगा, ठीक है, यानी कि पाँचवा। तो दूसरा, चौथा, पाँचवा आपका ये हो गया, यानी कि अभी तक तो ये चल रहा है। तो उसके बाद आपका फिर क्या होगा, रक्षा करना होगा, और रक्षा करने के बाद में राहत आएगी। इसका मतलब आपका ऑप्शन थ्री राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें देखिए 1 से 3 तक तीन क्वेश्चन है, और इसमें पूछा गया निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में उस शब्द को ज्ञात कीजिए जो शब्दकोश की व्यवस्था के अनुसार पहले स्थान पर आएगा। यानी कि शब्दकोश, आप डिक्शनरी में जब भी आप वर्ड फाइंड आउट करते हैं तो उसके हिसाब से पहले नंबर पर यहाँ पे कौन सा आएगा। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, बहुत सिंपल है। आप जो सबसे पहला वर्ड होगा क्या होगा, ए होगा। तो ए सभी में है, तो इससे तो नहीं पता चल रहा है कि कौन सा होगा। उसके बाद आप क्या देखेंगे, बी, ए के बाद बी आएगा, फिर बी बी, यहाँ पे बी भी सभी में है। उसके बाद फिर दोबारा से अगर ए आ रहा है तो वही सबसे पहले आएगा, फिर ए भी इसमें कितनों में है, ये आपका इसमें होगा, ये तो हट जाएगा क्योंकि इसमें तो बी आ गया। फिर आपका देखिए कौन सा पहले आएगा, एस, यानी कि तो आगे चला गया, ए बी ए, ए बी सी, तो इसका मतलब सी पहले आ सकता है, ए बी टी भी आगे चला जाएगा सी से, ए ये तो पहले हट ही चुका था, फिर ए बी एस, इसमें भी एस आ गया, ये भी हट जाएगा, यानी कि ऑप्शन थ्री राइट आंसर हो जाएगा। भाई समझे ना मैं क्या चीज़ बता रहा हूँ आपको, आपको सबसे पहला वर्ड देखना है, सबसे पहला वर्ड सभी में कॉमन है, दूसरा वर्ड भी कॉमन है, तीसरे वाले में ए ए ए चार में कॉमन, सॉरी तीन में कॉमन है, सॉरी चार में कॉमन है, तो ये भी आपका अभी तक तो सेम चल रहा है। उसके बाद आप देखेंगे कि कौन सा वर्ड पहले आता है, एस से, एस सी एस और टी में कौन सा पहले आएगा, सी आएगा ना, तो इसका मतलब थ्री आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप डिक्शनरी में देखते हैं तो ये पहले मिलेगा इन सभी वर्ड से, ठीक है। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे मैंने आपको पहले से इसमें आंसर भी दे रखे हैं, इस पीडीएफ को बताऊंगा कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ तो इसमें भी आप कुछ इसी तरीके से देखेंगे, तो ओ एम पी जी पी में सबसे पहले कौन सा आएगा, तो भाई सबसे पहले जी आएगा। अगर सबसे पहले आपको जी नज़र आ रहा है तो, क्योंकि जी के बाद ओ एम पी ये सब बाद के हैं, तो बस यही आपका राइट आंसर हो गया। तो इस तरीके से कई क्वेश्चंस तो मतलब देखते ही सोल्व हो जाते हैं। फिर यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में उस शब्द को ज्ञात कीजिए जो शब्दकोश की व्यवस्था के अनुसार अंतिम स्थान पर आएगा, जो सबसे लास्ट में आएगा वो आपको देखना है। तो यहाँ पे देखिए, अगर पहले क्वेश्चन की बात करूँ, इस पहले क्वेश्चन में कौन सा आएगा सबसे लास्ट में, तो क्यू सभी में कॉमन है, यू भी सभी में कॉमन है, तो ए इसमें ए ए ए ये भी सभी में कॉमन है। अगर एल और आर की मैं बात करूं, एल और आर की अगर मैं बात करूं, तो इसमें आपका एल आर और वी की मैं बात करूं, तो वी सबसे लास्ट में आएगा। क्यू यू ए तो सभी में कॉमन है, तो क्यू यू ए से नहीं पता चलेगा कि कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा, बट वी इसमें आपका सबसे बड़ा है, आर एल और आर से वी सबसे आगे आएगा, तो फोर आपका राइट आंसर हो जाएगा।
ऐसे आप क्वेश्चन नंबर 2 को ट्राई करके बताइए। ये देखिए एसएससी सीजीएल एसबीआई क्लर्क ये सभी में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, ये भी मैंने यहाँ पे बता दिया आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 को ट्राई करिए और कौन सा आएगा सबसे लास्ट में वो जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। और दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिएगा। अगर आप अभी तक चैनल के साथ में नहीं जुड़े हैं तो नीचे रेड कलर के बटन को दबा करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, आपके पास हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं इसकी पीडीएफ लेना तो